हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। और एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। गौरी शंकर का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, स्पेशली टू ऑल द ब्यूटिफुल लवली लेडीज ऑफ माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर। सो थैंक यू ऑल फॉर शोइंग योर लव एंड वी ऑल हैव टू मेक अ बिगर फैमिली। सो एनीवे, तो आप लोग का करवा चौथ अच्छा रहा होगा। क्या स्पेशल आपने किया मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा आप। एंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्लॉग को मॉर्निंग रूटीन से। तो आज के रूटीन में ना कुछ भी एडिशनल टास्क मैंने नहीं रखे हुए थे, क्योंकि व्रत के दिन वैसे भी कम करने का मन कम ही करता है ना, और फिर करवा चौथ का व्रत, तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वही अपने डेली का रूटीन। तो और दिन मैं आफ्टर टेकिंग शावर सेट फॉर द मेडिटेशन, बट आज मैंने बाद बनाया। कारण ये था कि मेरी जो हाउस हेल्पर झाड़ू पोछे के लिए आती है वो भी छुट्टी में थी, उसका भी फास्ट था, तो फिर पहले वो काम निपटाना था, फिर मैंने सोचा कि फ्री ऑफ एंड पहले काम निपटा लूँ, फिर नहा धो के पूजा के लिए हम बैठेंगे आराम से। तो इसलिए मैं पहले अपना ये रूटीन निपटा ली और उसके बाद फिर शावर एंड पूजा पाठ। तो ये इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज की डेट में हम इतने बिजी हैं कि लव एंड केयर की फीलिंग तो ऑफ कोर्स रहती है, पर हम ना जताना भूल जाते हैं, या मैं कहूँ कि जिम्मेदारियों में हम कहीं खो जाते हैं। तो जैसे पौधों को अगर आप पानी ना दो ना, खाद पानी ना मिले तो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। तो बस रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता है, टाइम टाइम पे बस थोड़ा सा केयर शो कर देने से ही ना जैसे फूल खिल उठता है, बस ऐसे ही रिश्ता भी खिल उठता है। तो जी हाँ, बस ये करवा चौथ मुझे लगता है शायद एक इसी तरह के फेस्टिवल का नाम है। करवा चौथ त्यौहार ऑफकोर्स एक दिन का होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, मतलब 10 days बिफोर और 10 days आफ्टर तक भी अपने ही फोटोज़ वीडियोज़ को देखना और मेमोरीज़ क्रिएट करना हर किसी के लिए आज की डेट में है ना। तो आप मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर से कॉमेंट करिएगा, आपकी क्या राय है। तो मुझे तो यही लगता है पर्सनली कि बस यही हमें रिमाइंड कराने के लिए ये फेस्टिवल है, और इसलिए हमें अब फेस्टिवल इज़ जस्ट, हम जब व्रत लेते हैं व्रत हमें बस यही बताता है कि जो भी सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं ना, देखिए जो भी हम अपना प्रारब्ध लेके आए हैं पिछले जन्म का वो तो हर किसी के साथ लिखा हुआ है, बट जब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हैं तो कहा जाता है कि भगवान हमें शक्ति दे देता है और कई सारी चीज़ों को कम कर देता है आपके अभी के कर्मों के साथ में। तो हमारे करने से क्या होगा और नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन हाँ जब आप ये सारे सेक्रीफाइस शो करते हैं कि भाई निर्जला व्रत रखा, फास्ट रखा एंड शो ऑन रेडी होना है ना, तो एक अच्छी सी मेमोरी क्रिएट होती है और ये आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करता है और आपके रिश्ते को और भी अच्छा बना देता है ना। तो मॉर्निंग का झाड़ू पोछा निपटा लिया और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर अपना रेडी हो करके। तो सिंपली साड़ी सुबह से पहन के दिन भर पे काम करने में ना रूटीन में नहीं होता हम लोग के, तो नहीं हो पाता है। तो सिंपली मैंने रेड कलर की कुर्ती यूज़ करी, उसके बाद पहले पूजा पाठ हमने निपटा लिया और करवा चौथ था, तो भाई आज तो छोला सिंगार बनते ही बनते हैं। तो पता नहीं कितने थे गिने नहीं, बट हाँ चूड़ी बिंदी ये बेसिक चीज़ें जो रूटीन में भी हम नहीं कर पाते, वर्किंग लाइफ में तो स्पेशली नहीं हो पाता है। तो अभी यहाँ पर हमने पहले गणेश भगवान को स्थापित, हर पूजा में सबसे पहले किया जाता है, कलश स्थापना कर ली, गौरी शंकर का छोटा सा फोटो यहाँ पर रहता है मंदिर में स्थापित, अलग से लाल कपड़ा बिछा करके चौकी के ऊपर हम ये पूजा करते हैं। तो साथ में ये थाली मैंने कल भी आपको दिखाया था ना, तो मैंने पर्सनली इसको अपने हाथों से बनाया था, तो इसको मैं संभाल के रख देती हूँ। साथ में सासू माँ की थाली भी यहाँ पर सजा के रख दी। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं बढ़िया से अपनी पूजा पाठ, भाई छोटू तो हमेशा साथ ही चिपका रहता है। अब करवा माता को वहाँ पर हमने कलावा रक्षा धागा वस्त्र रूप में सभी को समर्पित सबसे पहले मैं करती हूँ, शुद्ध रूप होता है कॉटन वाला, और उसके बाद चुनरी ऊपर लगा पाना मुश्किल था तो नीचे गौरी माता को ही वो चुनरी वगैरह मैंने चढ़ाई। तो भाई सिंपली अपनी ये पूजा पाठ कर ली। अब इसके बाद प्लान था कि भाई दिन में क्या क्या काम करना है, सोचा तो था आज के लिए कुछ टास्क रखे थे, स्पेशली क्या था कि जस्ट एक हफ्ते बाद दिवाली है और जोशी जी भी आजकल बिजी रहते हैं टाइम का मैं, बट सुबह इनको ऑफिस निकलना पड़ा तो वो काम हो गया डिले। तो फिलहाल यहाँ पर अपनी पूजा हमने कर ली अच्छे से संपन्न। तो ये हो गई है हमारी करवा चौथ की पूजा और ये सजा दी है सासू माँ की थाली। तो बढ़िया सा ब्लू सॉफ्ट सिल्क साड़ी है और मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छी लगी, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो सासू माँ पहनेंगी तो एक बार मैं भी इसको ज़रूर पहनूंगी, गोल्डन ब्लाउज पे चल जाएगा। तो 11 श्रृंगार इंक्लूडिंग विद द साड़ी ब्लाउज का जो सेट रहता है, साड़ी ब्लाउज फिर यानी कपड़े का पूरा सेट, और द्वार करने में बोलते हैं एक और कपड़ा डालेंगे तो आप फेंके डाल सकते हैं। और ये बढ़िया से सजा दिया है और दूसरी चूड़ियों का सेट रहेगा माता रानी के लिए, जो कि आप
किसी को भी दान में दे सकते हैं श्रृंगार, और चाहे तो खुद भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर चुनरी अटकती नहीं, तो नीचे गौरा माता शिव गौरा को हमने पहना दिया है और दोनों करवा यहाँ सज गए हैं। अब करते हैं बाकी पूजा शाम को। तो ये हमारी कलाकारी, पीछे पे लगाया था आपको मैंने दिखाया स्टिकर, अच्छा है, सारे स्टिकर्स में ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा था। और बस तो सिंपल कुर्ता पहना हुआ है। अब पूजा पाठ और काम निपटा लिए हैं, कपड़े फोल्ड करने हैं काफ़ी, क्योंकि बेडशीट वगैरह बदली थी, धुली हुई, तो बहुत सारे कुछ वो काम पड़े हुए हैं, उसी में मेरा एक डेढ़ घंटे के ऊपर चला जाएगा। और कुछ मेरे टेस्ट बचे हुए हैं, टेस्ट लिया था बच्चों का, वो करेक्शन करना है, एक घंटे तक का टाइम उसमें जाएगा, वो कर लेते हैं, और फिर करते करते दोपहर हो जाएगी बस। और भाग दौड़ वाले ज़्यादा काम नहीं है, बट ये जो बेसिक काम निपटाने हैं वो हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोपहर के बाद जो पूजा होती है कथा पढ़ने वाली, वो हम कर लेंगे रेडी हो करके, खाने की तैयारी करके। तो ये था मॉर्निंग का रूटीन। तो इस करवा चौथ स्पेशल था मेरे पैरों की मेहंदी, और मैंने सोचा था आलता लगाऊंगी, बट ना फिर वो जगह जगह रंग लगता रहता है, तो मैंने मेहंदी लगाई, बड़े मन से लगाई थी। और ये सिंपल सी कुर्ती मैंने पहनी हुई थी दिन भर में, और शाम में फिर साड़ी ही हम पहनते हैं या लहंगा लांचा जो भी आप पहनते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी फ्लेट कुर्ती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। फ्लिपकार्ट पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप इसको ले सकते हैं, कॉटन क्लोथ है इसका, सिंपल है, आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं, अच्छा फ्लेयर ये देता है और इतना अच्छा सा इसका लुक आ रहा था ना, आप चाहे तो पार्टी वेयर भी यूज कर सकते हैं, सिंपल एंड सोवर ये आपको लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर भाई साड़ी और अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ ना, तो एक रील बनाना तो बनता है। तेरे लिए पाया चूड़ा, तेरे लिए बिंदियां। तो बस दिन में एक दो घंटा फ्री होकर के बैठी, कुछ दो चारा फोटो वगैरह क्लिक कर ली एज यूजुअल जैसे हम सब करते हैं, और मैंने लास्ट डे की प्रिपरेशन वाला वीडियो कल एडिट करके शेयर किया शाम में, और उसके बाद हम आ गए थे पूजा के लिए। तो 3 बजे के आसपास में कथा पढ़ी जाती है, ये कथा हमने पढ़ ली और दोनों का ही फास्ट था। अब देखो भाई, एक ही अकेला इंसान थोड़ा ना चलेगा, साथ चलना ज़रूरी है, तो व्रत लेना भी दोनों का ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग है भाई दोनों के अंदर। भाई एक दिन हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं बेसिकली बॉडी को, और उसको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ विद फीलिंग्स करते हैं, तो आपके बॉन्डिंग्स स्ट्रांग हो जाती हैं, दैट्स इट। तो भाई एक दिन भगवान के नाम, और ये वाले में भाई एक दूसरे के नाम। तो हमने साथ में यहाँ पर कर ली पूजा, उसके बाद मैंने ना खाने की तैयारी कर ली थी, सब्जी बना दी थी, आटा कर दिया था, रायता बना दिया था, बढ़िया से सूखे आलू बना दिए थे, और वो वीडियो का क्लिप मेरे से ना खुद ही डिलीट हो गया, दूसरा वीडियो डिलीट कर रही थी वो डिलीट हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर निकल रहे थे शाम में सब्जी लेने के लिए। आप मैथ्स का काम कर लेना, क्वेश्चन कर लेना। हाँ खाता तो वैसे भी कुछ नहीं है, अभी पूरी बनाऊंगी मैं, मोमो खा खा के मोमो हो गया, अभी भी मोमो चाहिए इसको। मेरे को भी चलना है, अंदर बैठ चल। तो संडे थ्रू संडे में हमारे लोकल पे लगती है हाट यानी सब्जी बाजार, तो वहाँ से हम फल और सब्जियाँ फ्रेश ले आते हैं, अगले 3-4 दिन तक फ्रिज पे रहता है। तो आज संडे ही था, तो शाम में मैं सारा खाना वाना पूजा कर ली, खाने की तैयारी कर ली, और उसके बाद हम निकले थे सब्जी वगैरह लेने के लिए। और आते समय मंदिर पे प्रसाद और माता रानी को चुनरी और श्रृंगार चढ़ाते हुए हम आए। एक्चुअली मेरा प्लान ना मॉर्निंग में ही था कि मंदिर हम जाएंगे, लक्ष्मी माता के मंदिर में ज़रूर जाती हूँ जो हमारे एरिया में है, बट इनको ऑफिस निकलना पड़ा सुबह, तो फिर ये 12 बजे तक, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई मैनेज। तो फिर शाम को हम होते आए और घर आकर के फटाफट से चेंज किया, खाना मैं बना के गई थी, और जल्दी से हो गए करवा चौथ के लिए हम रेडी। मम्मी हो गए रेडी, पापा बुला रहे हैं। तो पिछौड़ी हमारे वहाँ हर शुभ काम में पहनते हैं, और मुझे पर्सनली ये अच्छी भी लगती है, तो सब कुछ पुराना है, मैं भी पुरानी हूँ, बस मेरे बैंगल्स नए हैं। और ये कर सी, आपको क्लोज दिखाते हैं, ये वाले ना 4 बैंगल का सेट मैंने मीशो से लिया था, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही लो प्राइस में आपको मिलेगा। ये ना उभरे हुए कड़े हैं कुंदन में, इस पर कुंदन लगा हुआ वर्क है, ये मैंने बहुत टाइम से लेने को रखा हुआ था, ले नहीं पाई। अभी ना मेरे कज़न की मामा की बेटी की शादी की न्यूज़ ऐसी मुझे पता चली, तो मैंने ले लिया तुरंत से कि करवा चौथ पे भी पहन लेंगे और शादी पे मुझे पहनना था, तो ब्यूटीफुल। तो हम हो गए रेडी विद ब्यूटीफुल जूड़ा इन अ सिंपल रेड साड़ी, बस क्विकली थोड़ा सा चेंज कर लो तो उतने में भारी लगता है। अभी हम रेडी हैं करवा चौथ के लिए, फटाफट से निकालते हैं सामान, और चांद आने ही वाला होगा, 8:15 हो चुका है, तो आज हमें चांद बनाना है, चांद आ चुका है, छत में चलना है।
तो फाइनली रेडी होके पहुंच गए छत में। और हमारे वहाँ पर ना ये चंदा मामा, मतलब शादी के बाद मैं जब ससुराल में गई थी तो वहाँ पे सब लोग ने बोला कि ऐसे बनाते हैं, तो जैसा जिस तरफ चलता है वैसे ही हम फॉलो करते हैं। तो ये स्माइलिंग चंदा मामा हमने यहाँ पर बना ली है। तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, साथ में ही एक दीपक टीका वगैरह करके इन चंद्रमा की भी जो हमने बनाया उनकी हम पूजा कर लेते हैं। और ये दोनों, इनका अपना चंदा मामा अलग बन रहा था। चंदा मामा उदय हो चुके हैं, तो अभी जस्ट निकले ही थे तो एकदम रेड था स्काई, काले आसमान में लाल चमकता तारा सा। तो धीरे 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 फिर हमारी पूजा करने तक धीरे धीरे वाइट प्यारे से चंदा मामा दिखाई देने लगे थे। तो अभी ना इतना सा दिख रहा था, एकदम ब्राइट रेड स्टार सा। तो यहाँ पर याले चंदा मामा के आगे भी दीपक जलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी हम उनको टीका तिलक करते हैं, प्रसाद भोग जो भी आपने बनाया है फल वगैरह अर्पित करते हैं। बाकी जगह भी पूजा चारों तरफ से ना शंख घंटियों की आवाज आने लगी थी, और ये देखिए पटाखे छूटने लगे हैं। तो चंद्रमा को अर्घ दिया, प्रणाम किया, और जो सिंपल अपना रिचुअल रहता है, जिस भी शायद मुझे लगता है कुछ कुछ जगहों में अलग अलग तरीके से होता है, अल्टीमेटली कि आपकी फीलिंग्स श्रद्धा भाव होना चाहिए, बाकी भूल चूक माफ। तो ये पूजा हमने कर ली यहाँ पर। और साथ में हो गया दादा दादी यानी मेरे इन-लॉज का करवा चौथ सेलिब्रेशन भी। जी नहीं, उनका फास्ट नहीं था, बस सिंपली साथ में फ़ोटो वोटो खींचने के लिए ऊपर आ जाते हैं हम लोग सब साथ में। मैंने बोला कि चलो आप लोग भी, तो दादा दादी की भी मैंने छोटी उनको छन्नी वगैरह पकड़ा करके, इट्स जस्ट एज मेमोरी। यानी 80 साल की उम्र तक आप साथ आगे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो सासू माँ को मेरे काफ़ी शौक है, तो मैंने कहा चलो इनका बना देते हैं, तो वो भी खुश हो गई थी। और बस ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया, और उसके बाद पूजा करके नीचे आए। ये जो सासू माँ को देने वाला रिवाज रहता है, तो सुहागन औरतों को दिया जाता है श्रृंगार पूरा ज़रूर से। तो मैं ये पूरी थाली जिसमें सब कुछ कपड़े और पूरे 16 श्रृंगार 11 श्रृंगार जितने भी हो सके उसको करके हम दे देते हैं। तो ये सासू माँ को यहाँ पर दिया है, क्या दिया है देख तो लेते हैं। 16 श्रृंगार, पायल, बिछिया, काजल, बिंदी, सिंदूर, रबर, चूड़ी, तेल, क्रीम, तो बस सिंपल सी करवा चौथ पूजा वाला दिन निकल गया। और ये कुछ छोटी छोटी मेमोरीज को मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पर, इसके साथ ऐड ऑन कर लिया, मुझे अच्छे लगे थे कुछ क्लिप्स, मैंने साथ में यहाँ पर ऐड कर लिए। तो बस ये था करवा चौथ सेलिब्रेशन और एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सबका करवा चौथ बहुत बढ़िया आया होगा, गुजरा होगा। भगवान आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। मिलते हैं दोबारा आपसे अगले रूटीन शेयरिंग के साथ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड Bye-bye. Bye-bye.